ये क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, बुद्धि वाला क्वेश्चन है, और जितना क्वेश्चन हम जितनी चीज़ें हमने देखी है वो सारी चीज़ें यानी कि अप्लाई हो जाएगी। हाँ बच्चे, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन बोला है मैंने। और अप्लाई होने का मतलब आप देख सकते हो, आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही है, एक ही चीज़ नज़र आ रही है, 10 a+b, यहाँ भी 10 a+b, है ना। तो क्या ही दिक्कत है यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 थीटा है तो इसको रख लीजिएगा ना, 10 थीटा प्लस यहाँ 10 a+10b/(1 - 10a) 10b लगा सकते हैं। आप बोल सकते हो 10 a+b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a सर + 10b सर (1 - 10a)(10b)। अरे कोई दिक्कत थोड़े ना है यहाँ, बोलो। जब फॉर्मूला हमें पता चल गया है तो हम क्यों ना कर सकते। तो आप मेरे के साथ साथ बोलिएगा, थोड़ा सा ध्यान से बोलिएगा कि मैं यहाँ 10a लिखूँ और एक ही जगह क्या लिखूँ, 10 60। तो 10 60 को मैं, आपके कोई समस्या नहीं है तो ये लिख दूँ, मैंने लिख दिया है, आपने देख लिया होगा। बोलो भाई। हाँ, इसको क्या लिखूँ मैं, 10 120 लिखूँ, है ना। और 10 120 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -√3। आप बोल दीजिएगा क्या मैंने सही लिखा है। क्या मैंने सही लिख दिया बात को। जब सारी बातें इतनी हो चुकी हैं हमारी, यहाँ तक हम समझ चुके हैं, तो मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि जब पेन कॉपी आपके पास हैं तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके देखोगे ना जब आप, तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी। पहले तो मेरे को एलसीएम बोल दीजिएगा आपको क्या आता है एलसीएम, है ना। एलसीएम करके मल्टीप्लाई करूँगा तो ना बात बढ़ जाएगी, और बात बढ़ जाएगी तो यहाँ देखिएगा, 1 - 3√10 थीटा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर प्लस कैसे हुआ, क्योंकि -1 पहले से ही है, और √20, जब 10 120 निकलेगा तो वो -√3 लेके आएगा। हाँ जी, हटा दिया जाए इसको। हाँ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² नज़र आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 3 10² थीटा। यहाँ तक कोई दुख दर्द है आपके, है ना। एलसीएम आपका क्या आ गया है, 1 - 3 10² थीटा। जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ से 10 थीटा हो गया, माइनस का 3 10³ थीटा हो गया है, प्लस, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 + 1 10 थीटा, और 1 + √3 10 थीटा प्लस ये हो गया √3 + 10 थीटा, इसको इससे करोगे 1 - √3 10 थीटा। यहाँ तक कोई समस्या आपके, यहाँ तक अगर आपके कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बात करें। बात करने वाली सर बात ही नहीं बची है, अब तो हमारी कैलकुलेशन बची है जो हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको एक बार दिखा दूँ, है ना, क्योंकि 10 थीटा - 3 10³ थीटा, और जब इससे करोगे तो √3 + √3 10² थीटा, फिर इसको कर दोगे ऑफ, 10 थीटा प्लस, ये क्या कर दिया आपने ना, कर्तव्य ही कर्तव्य के चक्कर में गलत कर बैठा ना, कुछ चीज़ें नहीं किननी थी हमें, है ना। थोड़ा इजी तरीके से करवाने की कोशिश कर रहा था, इसको कर दीजिएगा इससे √3 आ जाएगा, फिर इसको कर दीजिएगा इसको +3 10² थीटा आ जाएगा, फिर इसको करवा दीजिएगा 10 थीटा आ जाएगा, फिर इसको करवा दीजिएगा √3 10² थीटा आ जाएगा। हाँ जी, आगे बोलते रहिएगा आप, यहाँ तक हमने कर लिए हैं, आगे क्या बोलोगे सर, माइनस लगा दीजिएगा, तो माइनस लगा देते हैं, -√3, इसको करवा दीजिएगा माइनस माइनस, +3
टेन थीटा आ जाएगा, फिर इसको करवा दोगे तो टेन थीटा आ जाएगा यहाँ, फिर इसको करवा दोगे तो माइनस का रूट थ्री टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। कोई समस्या यहाँ तक आपके थोड़ा सा आगे चला गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए, है ना। नीचे है वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कटने वाली बातें दिखा दीजिएगा। ये देखो, ये कटता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को भी, आपको भी आ रहा होगा शायद, है ना। कहीं ना कहीं और कटता हुआ नज़र आ रहा है कि सर रूट थ्री से रूट थ्री कटेगा। अब यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा बाहर निकल के, है ना, कि क्या क्या हमसे बन रहा है। तो नीचे तो आपका एलसीएम में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एलसीएम आ जाएगा आपका वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका एलसीएम आ गया है भाई, है ना। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर देखो यहाँ टेन थीटा है और टेन थीटा और कहाँ है भाई, और कोई गलतियाँ तो नहीं कर बैठे हो ना आप। ये टेन थीटा हो गया है, बोलिएगा भाई, आप बोलते रहोगे तो हमारी हिम्मत बनती रहेगी। यहाँ थ्री टेन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, हाँ जी हाँ जी, ये टेन थीटा क्या हो गया, एक ही ये यहाँ क्यूब आएगा, तो जो आएगा वो कर दीजिएगा ना, आपको जो जो दिखता है वो कर दीजिएगा। हाँ जी ठीक है, अब इसको आप फिक्स सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आता है कैलकुलेशन आप कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ टेन स्क्वायर नहीं आएगा सर, ओके, स्क्वायर की बात तो करते ही नहीं है क्या फिर, ठीक है। एक इसको काउंट कर लीजिएगा, तो ये कितना हो गया, काउंट कर लीजिएगा इसको। हाँ जी, काउंट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन टेन थीटा माइनस थ्री टेन क्यूब थीटा। अब आगे क्या बोलते हो आप, हाँ मेरे कैलकुलेशन तो आपने गलत करवाई है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, हाँ चलो तो ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा आगे, हाँ जी देखिएगा, थ्री कॉमन लेने के लिए बोल रहे हो तो थ्री कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर, अब आप लिख दीजिएगा थ्री टेन थ्री थीटा, हाँ जी थ्री टेन थ्री टेन थ्री थीटा।